Good morning, dear Bama students. I hope you are fine. Today we continue with chapter staffing. This is the fifth chapter of organization of commerce. The third part. Till now, what we have learned? क्या-क्या सीखा हमने? हमने क्या सीखा कि भाई staffing क्या है? Staffing का मतलब क्या है? वो human resource management का एक part है और उसमें क्या-क्या चीजें included होती है और कौन कौन से सोर्सेस के द्वारा एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाता है. इंटरनल सोर्सेस, इसमें हमने देखा प्रमोशन, ट्रांसफर, ये सब चीजें, और साथ साथ में एक्सटर्नल सोर्सेस जिसमें एडवर्टीजमेंट्स, फैक्ट्री पे गेट पे बोर्ड लगा देना वेजेस वर्कर्स के लिए, ये सब चीजें थी. अब ये पार्ट हमने देख लिया. अब हम सिलेक्शन, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ये तीनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे इस बात. तो सिलेक्शन क्या है? सिलेक्शन यानी प्रॉपर कैंडिडेट जो है एप्लीकेशन रिसीव करते हैं तो पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है. सिलेक्शन क्या है? पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस है. सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग होता है और वो उसकी साइज पे, उसके टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह के एम्प्लॉयज है रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. और थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, आपको पता है, बड़ा एंटरप्राइज है, लार्ज एंटरप्राइज है, तो तीन लेवल्स होते हैं अलग अलग मैनेजमेंट के, राइट? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल, राइट? तो जो जो लोग रिक्वायर्ड है, क्वालिफाइड है, जैसे रिक्वायर्ड होता है उस हिसाब से सिलेक्शन होता है. सिलेक्शन प्रोसीजर नॉन मैनेजर स्टाफ के लिए शॉर्ट एंड सिंपल होता है, और बड़ा स्टाफ होता है जो टॉप लेवल पे बैठता है, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, सीएफओस, ये सब के लिए जो है सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा कठिन होता है. तो क्योंकि उसमें सूटेबल एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस, लॉयल एम्प्लॉय, ये बहुत जरूरी है. वेल प्लान तरीके से उस इंटरव्यू को करना पड़ता है. बड़ी पैनल बैठती है, उस इंटरव्यू को लेती है और इंटरव्यू में वो मैनेजमेंट प्रोसीजर जो है पूरा अबाइड होता है और किस तरह से समझाया जाता है. प्रोसेस क्या है सिलेक्शन? वेलकमिंग इन प्राइमरी मीटिंग. वेलकमिंग इन, ये स्टेज पे कैंडिडेट को वेलकम किया जाता है एंटरप्राइज में. रिसेप्शनिस्ट इन्वेस्टिगेशन करती है, राइट? इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल, कैंडिडेट सच में सूटेबल है इस जॉब के लिए कि नहीं. अगर सूटेबल है तो उसको रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास भेजा जाता है, राइट? रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास भेजा जाता है. रिक्रूटमेंट ऑफिसर कलेक्ट करता है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके नॉलेज के बारे में, उसकी स्किल्स के बारे में, उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी के बारे में, ये सब चीजों के बारे में. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है स्टेज का? इम्प्रॉपर कोई कैंडिडेट आए जो जरूरत नहीं है, ऐसे ही उसने अप्लाई कर दिया है, खास करके काफी लोग टाइम पास के लिए इंटरव्यू देने चले जाते हैं, तो उसको इसी स्टेज से पीछे भेज दिया. पर अगर बंदा सूटेबल है, कैंडिडेट सूटेबल है, तो उसको फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है. वो एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया, उसके बाद रिक्रूटमेंट ऑफिसर उसको नेक्स्ट स्टेज के लिए भेजता है. रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, रिक्रूटमेंट ऑफिसर ने भरवाया, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स, कैंडिडेट की सब लिखवाया जाता है. कैंडिडेट ये एप्लीकेशन के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसकी मार्कशीट, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब चीजें उसके साथ एप्लीकेशन के साथ अटैच करता है. पर इसको अगर इनकम्प्लीट फाइंड करे या गलत हो तो इस स्टेज से बंदे को रिजेक्ट किया जाता है. इस स्टेज से बंदे को रिजेक्ट किया जाता है. नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग नेसेसरी टेस्ट्स. वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट कंडक्ट की जाती है. एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए तो, रिजेक्ट हो जाए तो वहीं से चला जाए, और एक्सेप्ट हो जाए तो आगे टेस्ट होती है. अलग अलग टाइप की टेस्ट होती है, वेरियस टेस्ट कंडक्ट की जाती है. इंसान की मेंटल एबिलिटी, एम्प्लॉय की मेंटल एबिलिटी, एप्टीट्यूड यानी किस चीज में वो ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, उसकी एफिशिएंसी, ये सब चीजों की टेस्ट ली जाती है. पहली होती है आईक्यू टेस्ट. आईक्यू टेस्ट में असेस करते हैं कि भी कॉमन सेंस कितना है बंदे, राइट? मेमोरी, उसकी स्मार्टनेस, उसका पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, ये सब चेक किया जाता है. उसके बाद है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट. इस टेस्ट में जो है कैंडिडेट का इंटरेस्ट क्या है, स्पेसिफिक कौन सी वर्क में इंटरेस्ट है, वो चेक किया जाता है. उसके बाद ट्रेड टेस्ट है. ट्रेड टेस्ट में डिसाइड किया जाता है कैंडिडेट के नेसेसरी स्किल जो है वो परफेक्ट कर पाएगा, एक्सपेक्टेड है उससे वो कर पाएगा कि नहीं, वो टेस्ट चेक किया जाता है. साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका एटीट्यूड, ये सब देखा जाता है. ये सब टेस्ट उसने क्लियर की, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है. पर्सनल इंटरव्यू में अगर वो टेस्ट में सक्सीड हो गया तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है.
कमिटी होती है जो सिलेक्शन करती है कैंडिडेट्स का, असेसमेंट होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, हेड ऑफ द एचआर है, ये लोग सब इंटरव्यू लेते हैं अलग अलग फील्ड्स के, जिस एक्सपर्ट का पर्टिकुलर फील्ड है, जैसे सेल्स में किसी ने अप्लाई किया तो सेल्स हेड होगा, फाइनेंस अप्लाई किया तो फाइनेंस का हेड होगा, साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होगा, एचआर का हो सकता है, राइट, या तो जनरल मैनेजर भी हो सकता है। सिलेक्ट हो गया, अब रेफरेंस चेक करें, बायोडाटा में रेफरेंस मेंशन किए, जनरली दो रेफरेंस मांगते हैं, राइट, जो एक्स एम्प्लॉय के किसी का रेफरेंस, बॉस का या तो कोई रिनाउंड डॉक्टर प्रोफेसर ऐसे का रेफरेंस मांगा जाता है, और इसमें चेक किया जाता है कि बंदे का पास्ट रिकॉर्ड क्या है, वो पास्ट रिकॉर्ड सही निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उस पर क्वेश्चन मार्क होता है, तो इसमें कोई भी तरह का बायस नहीं होता, इससे राइट डिसीजन लिया जाता है बंदे का पास्ट जान के। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, मैटर्स गैदर फ्रॉम पर्सनल इंटरव्यू, पास्ट रेफरेंसेस सब हो गया, पॉजिटिव हो गए, अब सिलेक्शन कमिटी लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बनाए, लिस्ट बना दिया, ये इंक्लूड करता है ज्यादा कैंडिडेट्स को। उसके बाद होती है फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि चेक करना जरूरी है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कैंडिडेट कोई ज्यादा बड़ी बीमारी से सफर नहीं कर रहा है, ये सब चीजें चेक करनी पड़ती है, राइट, फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बाकी के एम्प्लॉयज को एज ए वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है फ्यूचर के लिए। Whether any candidate is required selection can run from the waiting list according to their order of work. फिर appointment letter. After making final selection, selection final कर दिया, उसके बाद appointment letter दिया जाता है selected candidates को, right? In this letter information होती है क्या काम करना है, क्या तुम्हारी वर्क प्लेस है, क्या remuneration मिलेगा, तुम्हारा designation क्या होगा, तुम्हारी rights क्या है, responsibilities क्या है, तुम्हारा cost to company क्या है, सब चीजें मिलती है। उसके बाद है लास्ट पॉइंट है इंडक्शन इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क। आज कोई बंदा कोई कंपनी में ज्वाइन हुआ है, उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग, उसकी इंडक्शन ट्रेनिंग में उसको सिखाया जाता है कंपनी के बारे में, इंफॉर्मेशन दी जाती है, एम्प्लॉयज को मिलाया जाता है, बॉसेस कौन है, उसके सुपीरियर्स कौन है, उसका एनवायरमेंट, ये सब समझाया जाता है, किस तरह से उसके सबॉर्डिनेट्स अगर है तो वो कौन है, उसकी ड्यूटीज उसको अलॉट की जाती है, ये सब चीजें। ये टॉपिक खत्म होने के बाद अब हम जाएंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें ट्रेनिंग समझने की कोशिश करें। एफिशिएंट रिक्रूटेड पर्सन है, बंदा एकदम ज्वाइन हुआ है संस्था में, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, सब कुछ है, विदाउट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज, अनुभव के बिना और एक्सपर्टाइज के बिना प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो आज थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों देना पड़ता है ताकि बंदे में प्रोफिशिएंसी ऑफ वर्क आए, उसकी काबिलियत आए। ट्रेनिंग टेम्पररी चीज नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, राइट, नॉलेज बढ़ाना, एबिलिटी बढ़ाना, एम्प्लॉयज की प्रोफिशिएंसी या काबिलियत बढ़ाना ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेकारक हो, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करती है। कॉन्सेप्ट क्या है, जनरल टर्म्स में ट्रेनिंग क्या होता है, प्रोवाइडिंग थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज, किसके तात्पर्य से, एम्प्लॉयज के काम के तात्पर्य, एक एक्सपर्ट ने यह बोला है कि ट्रेनिंग मींस अप टू डेट इंफॉर्मेशन देना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंक्रीज करना एफिशिएंसी, स्किल उसकी एप्टीट्यूड एटीट्यूड टेक्निकल स्किल्स ये सब बढ़ाना, इन शॉर्ट ट्रेनिंग मींस नॉलेज देना और एजुकेशन देना, तात्पर्य यह है कि बंदा सही ढंग से काम कर सके, प्रोफिशिएंसी गेन करे, काबिलियत गेन करे और बिजनेस को उससे फायदा। इंपॉर्टेंस क्या है, मॉडर्न इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसको मिले, एम्प्लॉयज को आगे बढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कुछ आए तो, सेफ्टी, वर्कर्स जो मशीन हैंडल करते हैं उनको एक्सीडेंट से बचने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है, सॉफ्ट जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, ट्रेनिंग देने के बाद वर्कर्स की स्किल डेवलप होती है, वो ट्रेन होता है तो उसका एंथुजियाज्म बढ़ता है, राइट, इंक्रीज होता है उसका एंथुजियाज्म बढ़ता है और जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। उसके बाद है आपका लेबर टर्नओवर, इंसान कैपेबल हो जाता है, ट्रेंड हो जाता है, अच्छी तरह से उसका इंप्रूवमेंट होता है तो उसके चांसेस ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन होगी, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो आपको छोड़ के जाएगा, नहीं छोड़ के जाएगा, अच्छी तरह आप ट्रेन करोगे, ट्रेनिंग लोगे तो छोड़ के नहीं जाएगा। उसके बाद है आपका इंक्रीज इन प्रॉफिट, ट्रेनिंग से क्या होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्टिविटी लेवल की बढ़ती है तो फायदा होता है कंपनी को, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, ट्रेनिंग क्या करता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है, तो फालतू जो वेस्टेज होता है रॉ मटेरियल का और वो सब चीजें कैसे नहीं करना है
वो भी सिखाया जाता है प्रोडक्शन की ऑनलाइन ट्रेनिंग सॉरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग राइट। तो सुपरवाइजर की कॉस्ट कम हो जाती, वर्कर्स अपने आप ट्रेन होकर बढ़िया काम कर सकते। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय का ग्रोथ होता है ट्रेनिंग से, उनकी स्किल्स बढ़ती है, एबिलिटी इंटेलिजेंस, तो इससे उनका पर्सनल ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है एम्प्लॉयज का। दूसरे बेनिफिट्स क्या है? ट्रेनिंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाता है, प्रेस्टीज बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन, रिड्यूस कर देता है स्ट्रेस, स्ट्रेस जो होता है वो उसको तनाव को रिड्यूस कर देता है। कोई भी एनवायरमेंट कोऑपरेशन का क्रिएट हो, लॉयल्टी हो, सिंसियरिटी हो, एंथुजियाज्म हो, तो बढ़िया तरीके से काम। सेपरेट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में, उनके ऑफिसर्स को अपॉइंट किए जाते हैं राइट। तो एंटरप्राइज में रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होता, ये सब चीजें। ट्रेनिंग एक्सपेंसिव इज मोर एक्सपेंसिव, ट्रेनिंग अगर नहीं है राइट ट्रेनिंग बट इट्स एब्सेंस इज एक्सपेंसिव। ट्रेनिंग अगर है वो एक्सपेंसिव है, और अगर बिल्कुल नहीं दोगे तो आपको और महंगा, आपके वर्कर्स ट्रेन नहीं होंगे, वेस्टेज होगा, सही ढंग से काम कर नहीं करेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएंगे राइट। उसके बाद है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जनरली कौन से लेवल पे होता है? बड़े लेवल पे होता है राइट। आगे जाना, ट्रेनिंग देके डेवलप होना बहुत जरूरी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, डिपार्टमेंटल हेड्स, ये सबका डेवलपमेंट जरूरी है। उनका फिजिकल वर्क होता नहीं, ज्यादातर इंटेलेक्चुअल वर्क होता है, तो प्लान्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज ये सब बनाना होता है, तो उनका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। स्पेशल ट्रेनिंग रखी जाती है आज की तारीख में, प्रेजेंट टाइम्स में डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, ये सब चीजें रखी जाती है। डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या? प्रोसेस या थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज देना, खास करके टॉप लेवल मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल हेड्स। डेवलपमेंट यानी प्रोग्राम जिसमें प्री डिसाइड, पहले से डिसाइडेड जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सके ऑर्गेनाइजेशन, और हेड्स की ऑफिसर्स की कैपेबिलिटीज को इंप्रूव कर। इसका महत्व क्या? इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज, उनका टेक्निकल नॉलेज बढ़ता है राइट। चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस है, ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, टेक्निकल नॉलेज होना जरूरी है। कुछ ना कुछ नया आया, नया एस्पेक्ट आया तो उनको जानना जरूरी है। डेवलपमेंट पर प्रोग्राम से उनको गाइडेंस नॉलेज मिलता है राइट। टेक्निकल नॉलेज को कैसे यूज करना, मेथड्स को कैसे यूज करना, पॉजिटिव डिसीजंस कैसे लेना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये सब चीजें पता चलती है। रिसर्च एंड न्यू आइडियाज, कुछ ना कुछ नया आता है, एफिशिएंसी डिपार्टमेंट की काम करने की अगर बढ़ेगी तो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वे में प्रोवाइड की जाएगी नॉलेज, नया रिसर्च क्या है, नई आइडियोलॉजीज क्या है। उसके ये होने के बाद क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा, सीधी सी बात। प्रेजेंट टाइम्स में डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स नेसेसरी है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे होते हैं, नए नए चेंजेस और स्ट्रेटजीज आती है, तो डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का करने के लिए इनकी डेवलपमेंट करना जरूरी है। रिसोर्सेज का मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज हो सकता है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हेल्प करते हैं कि अवेलेबल रिसोर्सेज जो है मैक्सिमम वे में यूज हो सके, अननेसेसरी एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, कंट्रोल आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, कंट्रोल आ जाएगा तो इससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छी तरह से आ जाएगा, स्पीडी सक्सेसफुल वे में सॉल्यूशन ला पाएंगे मिडिल लेवल और टॉप लेवल के मैनेजर्स। एफिशिएंसी सुपरविजन, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वजह से स्किल्स ऑफिसर्स की बढ़िया होगी, टेक्निकल स्किल्स बढ़ेगी, मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इससे असरदार तरीके से सुपरविजन हो पाएगा और बिजनेस एक्टिविटीज हो पाएगी। रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस रिड्यूस करता है। मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल हेड्स को बहुत चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, तो अच्छी तरह इससे मैनेज कर पाएंगे, उनको कंफ्यूजन जो है बहुत सारा वो निकल पाएगा, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम से ये सब रिड्यूस हो सकता है। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हेल्प करते हैं ऑफिसर्स को भी फ्यूचर चैलेंजेस वो लोग मीट कर सकते हैं और सुटेबल चेंजेस जो भी हो वो अडॉप्ट कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों? इंपार्टिंग नॉलेज, ट्रेनिंग क्या है? नॉलेज देना, प्रैक्टिकल नॉलेज देना एम्प्लॉयज को, ऑब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, और डेवलपमेंट एक ऐसा थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज जो टॉप लेवल और डिपार्टमेंटल हेड्स को दिया जाता है। तात्पर्य क्या है? एफिशिएंसी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। डेवलपमेंट में तात्पर्य क्या है? कि एनहांस करना उनकी कैपेबिलिटीज, कैपेसिटी को, और उनको मोल्ड करना, अच्छी पर्सनालिटी बनाना। सेंटर पॉइंट वर्क, या सेंटर पॉइंट फ्यूचर करियर और प्रोबेबल चैलेंजेस। टाइम एंड एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म प्रोसेस है,
कम एक्सपेंसिव, डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है तो ज्यादा एक्सपेंसिव है। कौन इम्पार्ट करता है? एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज, एक्सपर्ट सुपरवाइजर्स इम्पार्ट करते हैं ट्रेनिंग। डेवलपमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे IIM, IIT, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की बड़ी इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड की, टू होम ट्रेनिंग स्टाफ को दिया जाता है बॉटम लेवल। डेवलपमेंट जो है एग्जीक्यूटिव लेवल के बड़े लोग, हेड्स, टॉप लेवल इन लोग को सबको दिया जाता है, राइट। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ये बढ़िया चैप्टर है, आप रिवाइज करने की कोशिश करिए। और इसमें स्टाफिंग क्या है, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ट्रेनिंग क्या है, सिलेक्शन क्या है, डेवलपमेंट क्या है, ये सब समझने की कोशिश करिए और बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए, क्योंकि ये चैप्टर आपके अक्टूबर के एग्जाम में आने वाला है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बी सेफ। थैंक यू।